गुड मॉर्निंग एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल गजेंद्र क्लासेस में। देखिए दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ नदियों के किनारे बसे प्रमुख शहर। इनको याद रखने की बहुत ही शानदार ट्रिक है दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहला शहर है आपका सूरत। तो सूरत बसा हुआ है आपका ताप्ती नदी पे। तो ट्रिक है दोस्तों इसकी, सूरत पे ताप लगा। सूरत पे, सूरत मतलब चेहरे पे। सबसे ज़्यादा आप किसको बचाते हैं जब भी ताप, मतलब गर्मी में ताप लगता है तो हम किसको बचाते हैं? चेहरे को, अपने चेहरे को पैक करते हैं। तो ताप कहाँ लगता है? सूरत में। ताप कहाँ लगता है? सूरत में। तो ताप से हो जाएगा आपका ताप्ती नदी और सूरत से हो जाएगा आपका सूरत शहर। सेकेंड है दोस्तों बद्रीनाथ। और ये जो बसा है अलकनंदा नदी के किनारे बसा हुआ आपका शहर है। तो ट्रिक है दोस्तों इसकी, जो आपने देखा होगा जो भगवान बद्रीनाथ थे, वो उनका हमेशा मंत्र क्या रहता था? अलक निरंजन, है ना। जो भगवान बद्रीनाथ थे उनका जो मंत्र क्या रहता था हमेशा, वो किस काय का जाप करते थे? अलक निरंजन। तो जो भगवान बद्रीनाथ थे वो काय का जाप करते थे? अलक निरंजन, अलक निरंजन। तो यहाँ से ट्रिक बन जाएगी, आपका शहर हो जाएगा बद्रीनाथ और यहीं से अलग से याद रखेंगे आप अलकनंदा। सेकेंड थर्ड है दोस्तों कोलकाता। ये बसा हुआ है आपके हुगली नदी पे। कोलकाता ये बसा हुआ है आपका हुगली नदी पे। तो ट्रिक है इसकी, कल काटा कुत्ते ने गली में। तो कल काटा से कोलकाता याद रखेंगे और गली से, गली कहाँ में दिख रहा है? हुगली में दोस्तों। बहुत ही शानदार ट्रिक है दोस्तों, कल काटा कुत्ते ने गली में। तो कल काटा से कोलकाता, गली से मिल जाए, गली किस में दिख रहा है? देखिए वो गली से आप पकड़ लेंगे, इमेज कर लेंगे हुगली को। फोर्थ है दोस्तों लखनऊ। ये शहर बसा है आपका गोमती नदी के किनारे। तो ट्रिक है इसकी, लखनऊ में गमता है। ट्रिक है इसकी, लखनऊ में गमता है। तो लखनऊ से आपका शहर हो जाएगा लखनऊ और गमता से याद रखेंगे गोमती को। नेक्स्ट है शहर है आपका दोस्तों अयोध्या। और ये किस नदी के किनारे बसा है? सरयू। तो देखिए ट्रिक है इसकी, अयो ध्यान दो सर पे। ट्रिक है इसकी, अयो ध्यान दो सर पे। तो अयो, अयो और ध्यान के ध्या से मिला के अयोध्या याद रखेंगे और सर से याद रखेंगे हम सरयू। तो देखिए दोस्तों एक बार फिर से ट्रिक है इसकी, अयो ध्यान दो सर पे। तो अयोध्या से अयोध्या मिल जाएगा, अयोध्या से अयोध्या और सर से सरयू नदी मिल जाएगी आपके। नेक्स्ट है आपके सामने उज्जैन। एक है आपका छिपरा नदी के किनारे बसा हुआ। तो ट्रिक है इसकी, उज्जैन छिपा हुआ है। ट्रिक है दोस्तों इसकी, उज्जैन छिपा हुआ है। तो उज्जैन से हो जाएगा आपका उज्जैन और छिपा से हो जाएगा आपका छिपरा। या तो आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, छिपरा नाम की एक लड़की थी, वो कहाँ रहती? उज्जैन में। छिपरा नाम की लड़की है, वो कहाँ रहती? उज्जैन में। सेवंथ है दोस्तों आपके पास में श्रीनगर। ये बसा हुआ है आपका झेलम नदी के किनारे। तो ट्रिक है इसकी, श्रीनगर के जो लोग हैं वो क्या है झेलते हैं। तो श्रीनगर से हो जाएगा आपका श्रीनगर और झेल से याद रखेंगे झेलम को। नेक्स्ट है दोस्तों आपका आठवां हैदराबाद। ये बसा हुआ है आपकी मूसी नदी पे। हैदराबाद ये कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है? मूसी नदी पे। तो ट्रिक है इसकी, हैदराबाद की मौसी या हैदराबाद में मौसी रहती है, ऐसा भी पकड़ सकते हैं आप। हैदराबाद की मौसी। तो हैदराबाद से हो जाएगा आपका हैदराबाद और मौसी से रिलेट कराएंगे मूसी को। हैदराबाद में रहती है मौसी, हैदराबाद की मौसी,
हैदराबाद की मौसी, तो हैदराबाद से हैदराबाद, मौसी से रिलेट कराएंगे मौसी को। नेक्स्ट है दोस्तों नौवां डिब्रूगढ़, और दसवां है आपका गुवाहाटी। तो ये दोनों बसे हुए हैं ब्रह्मपुत्र पे, डिब्रूगढ़ और गुवाहाटी ये दोनों बसे हुए हैं आपके ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे। तो ट्रिक है दोस्तों इसकी, देखिए जो ब्रह्मा जी के पुत्र थे, जो ब्रह्मा जी के पुत्र थे उनका नाम क्या था, ब्रह्मा जी के जो पुत्र थे उनका नाम था डिब्बू। क्या नाम था? डिब्बू। तो वो बहुत ही गंवार थे, बहुत ही गंवार थे और वो बहुत ही हटी थे, ठीक है। ब्रह्मा जी के पुत्र जो थे, ब्रह्मा जी के जो पुत्र थे उनका नाम था डिब्बू, डिब्बू, और वो बहुत ही गंवार थे और हटी भी थे। तो यही से ट्रिक मिल जाएगी, ब्रह्मा जी के पुत्र से यहाँ से ब्रह्मपुत्र नदी मिल जाएगी आपको, और डिब्बू से याद रखेंगे डिब्रूगढ़ को, और गंवार हटी से गुवाहाटी, तो गुवाहाटी। ब्रह्मा जी के जो पुत्र थे, एक बार फिर से देखिए दोस्तों ट्रिक, ब्रह्मा जी के जो पुत्र थे उनका नाम था डिब्बू, वो बहुत ही गंवार थे और हटी भी थे। तो ब्रह्मा जी के पुत्र से हो जाएगा ब्रह्मपुत्र नदी, डिब्बू से याद रखेंगे शहर का नाम डिब्रूगढ़, और गंवार हटी से याद रखेंगे गुवाहाटी। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो ट्रिक पसंद आई होगी, आपको ये यूट्यूब में कहीं पर भी ऐसा तरीका आपको नहीं मिलेगा दोस्तों। और आपको वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा इसे अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।